उल्लास नगर क्राइम ब्रांच ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक आरोपी को 7 देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूसों के साथ हिरासत में लिया है, जबकि आरोपी का दूसरा साथी पुलिस को आते देखकर फरार हो गया। बता दें कि उल्लास नगर क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली थी कि दो संदिग्ध कल्याण सहाड़ ब्रिज के नीचे हथियारों का अवैध सौदा करने आए हैं। जानकारी पाते ही क्राइम ब्रांच की टीम हरकत में आई और जाल बिछाकर आरोपी अनुज जायसवाल को धर दबोचा। दूसरा आरोपी पुलिस की भनक पाते ही फरार हो गया। आरोपी अनुज जायसवाल मुमरा का रहने वाला है, जो अपने साथी के साथ मिलकर चोरी और अवैध हथियारों की तस्करी आदि के काम को अंजाम देता था। मामले की छानबीन क्राइम ब्रांच कर रही है। कांस्टेबल पुलिस नायक संजय पाटिल, इनको इन्फॉर्मेशन थी कि कोई गुनहगार व्यक्ति शहाड रेलवे स्टेशन ब्रिज के आसपास में कल हथियार बेचने आने वाला था। तो कल उसी समय सीनियर पीआई जो उल्लासनगर यूनिट के तरडे साहब और मनोहर पाटिल पी आई, उनके लोगों ने ट्रैप लगाया। इसमें एक आदमी जिसका नाम अनुज कुमार जायसवाल है, इसको पकड़ा है और उसके पास से 7 कंट्री मेड रिवॉल्वर मिले हैं उसके साथ में, और 8 MM के 6 राउंड भी उसके पास मिले हैं।